हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे, होनी भी चाहिए। सो बड़ों को नमस्ते और छोटों को हेलो। सो अपना वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने कॉलेज में जाने वाले हैं, तो सोच रहे हैं कॉलेज को थोड़ा अच्छा से दिखाएं, कॉलेज के बारे में बताएं। पहले कॉलेज की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद थोड़ा बहुत कॉलेज के बारे में बताएंगे, जो आपको अगर एडमिशन यहाँ लेते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा बहुत अगर कुछ यहाँ के बारे में जान पाए फिर यहाँ एडमिशन लें तो बेटर रहेगा। सो मिलते हैं आगे वीडियो में। अगर अभी के लिए नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, छोटी सी एक ब्रेक के बाद। हम रेडी हो चुके हैं और अब कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। सो आज की मेरी ड्रेस कुछ इस तरह से, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आज का मेरा ड्रेस कैसा है। सो एडमिट कार्ड लेकर सब कुछ इस तरह से। ओ भाई साहब, खतरनाक लग रहा है भाई। सुपर। सो इस तरह से कुछ हम लोग का ड्रेस कोड है। तो हम लोग निकल गए हैं, मिलते हैं आपसे फिर से आगे। थोड़ी गेट लॉक कर दें। हम बच्चे कहाँ ना सकते नहीं, वीडियो सो ये हमारा पोस्टर। हमारे हॉस्टल के मेहमान कुछ, जो इनको विश्राम करने की मौका यहाँ मिल रहा। यहाँ बहुत सारा अमरूद का पेड़ है, जो आप लोग अगर इन फ्यूचर अगर यहाँ पढ़ते हो तो अमरूद टेस्ट कर सकते हो। घर आ रहे हैं, ये है मेन गेट, यहीं से हमारी हॉस्टल की एंट्री होती है। ऑटो स्टॉपेज हम लोगों का यहाँ, जो आपको दिखा चुके थे। और ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो गर्ल्स हॉस्टल है। सो आने वाला था, इतना फास्ट यहाँ कुछ इस तरह से फ्रंट दिखता है गेट। ये चौधरी चरण पीजी कॉलेज का, अंदर आप एंट्री लेते हो तो आपको दो गार्ड का सामना करना पड़ेगा, जो यहाँ पर गार्ड बैठे हुए हैं सामने आपको दिख रहा होगा, जो हम लोग इंटरव्यू आज लेंगे। इतना भीड़ मेरे कॉलेज में कैसे, हाउ कैन पॉसिबल? ये सब एग्ज़ाम का देन है। सो आज एडमिट कार्ड मिल रहा है, यहाँ पर भी एक कार्ड मिलेगा आपको जब इंटरव्यू ले लोगे तो। आज हम लोग यहाँ एडमिट कार्ड मिल रहा है, जो कुछ सर लोग दे रहे हैं। Thank you.
इसमें अपना नाम ढूंढना है हम लोगों को। इतना बड़ा पर्ची में नाम कहाँ ढूंढे। यहाँ मेरा नाम आ चुका है। ये वाला कहाँ लगा है? कौन सा वाला? ऐसे ऐसे उस साइड होगा ना, फर्स्ट पेज पे होगा ना, उसमें होगा। ये रहा हमारा सबसे लास्ट में 14 पेज ये मेरा 13 पेज नंबर में आपको यहाँ मिल गया होगा। सनी का भी मिल चुका है। चलो एडमिट तो एडमिट कार्ड लेते हैं। एडमिट कार्ड नो क्या करना लिख के देना है। ये संतोष नो डू पता नहीं क्या लिखना है। हमारी एडमिट कार्ड है। सो एडमिट कार्ड मिल चुकी है हमारी और मेरा एडमिट कार्ड सतीश के पास है अभी फिलहाल। कुछ इस टाइप का है हम लोग का कॉलेज। घूमना पसंद करो? चलो आप लोग कॉलेज घूम। सो यहाँ से ये है आपकी चौधरी चरण सिंह की, ये है चौधरी चरण सिंह जी का मूर्ति स्टैचू। ये है चौधरी चरण सिंह का स्टैचू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर 35th प्राइम मिनिस्टर आई थिंक 5th होना चाहिए, जो ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे देश के, उनकी ये स्टैचू है। और ये कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर की बिल्डिंग है। कुछ इस तरह से रोड की फिनिशिंग मिलेंगी अंदर में, जो कम से कम यहाँ कितना व्हीलर जा सकता है इसमें? दो तीन व्हीलर मैक्सिमम मान लो। इस तरह से लड़कियाँ यहाँ बैठी रहती हैं। अरे भाई साहब खतरनाक लग रहे हो। लौंडे लोग मस्ती कर रही है। जिसमें एक संतोष भी है झाटू। सो ये है प्रशासनिक भवन सा है। ये सब सामान सब है। इस साइड आपको मिलेगा 2-3 बिल्डिंग है इधर, और ये प्रशासनिक भवन, और आगे इसके आगे प्रिंसिपल ऑफिस, और हम लोगों का बिल्डिंग इस साइड है। सो कुछ इस तरह से स्टेटस है। इस साइड से ये रही यहाँ कुछ लड़कियाँ मिलेगी आपको, और यहाँ से कंप्यूटर कुछ यहाँ कंप्यूटर की क्लासें होती हैं। और ये प्रशासनिक भवन है आई थिंक या तो उसके आगे प्रिंस भवन के आगे। और ये है हमारी बिल्डिंग ये वाली। कुछ इस तरह से चलना पड़ता है तो हम लोग अपने मंजिलों पर पहुंच पाते हैं। कुछ हमारे इस कॉलेज के सुंदरियाँ ये भी है दो, कुछ को एक्सप्लोर कर सके हैं। और कुछ बची हुई थी जो यहाँ है, सुंदरियाँ नहीं है, एवरेज है। सही है। चलते हैं आज अपने कॉलेज के। ये है हम लोग का बिल्डिंग। सो कुछ इस तरह से दिखता है हम लोगों का बिल्डिंग, BSCAG का बिल्डिंग ये रहा। कुछ खूबसूरत है। और ये इस साइड आपको आर्ट्स वाले की मतलब लड़की का ज़्यादा पता नहीं कौन सा डिग्री है लिखा था वहाँ चलता है। ये जो है इसमें लड़की का चलता है। सो
चलिए अंदर। अब हम लोग निकल रहे हैं कॉलेज से। सो क्लास की कुछ लड़कियां यहाँ पे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये है हमारी क्लास की कुछ लड़कियां जो इनको मेरा अलग है भाई, तुम सब लोग मेरा सेंट। रोशन एडमिट कार्ड मिल गया? रोशन एडमिट कार्ड मिल गया? हाँ चलो। एग्जाम होगा ना? पूरा प्रिंट कैसे मिला है? कौन सा रोल नंबर कितना है? सुमित कॉलेज के गेट से बाहर निकल रहे हैं और ये जस्ट बगल में आपको 4 लाइन मिल जाएगी। आने जाने में उतनी प्रॉब्लम होती नहीं है हॉस्टल के स्टूडेंट या कहीं के भी स्टूडेंट हो, क्योंकि गाड़ी मिल जाती है लगभग। गर्ल्स हॉस्टल का गेट हो गया और यहीं से ये गर्ल्स हॉस्टल है और आपको
इस साइड बॉयज हॉस्टल का गेट, ये फर्स्ट गेट हो गया, और सेकेंड गेट है इसका, जहाँ से ये सेकेंड वाली गेट खुली रहती है, यहीं से हम लोग जाते और आते हैं। ये सेकेंड गेट जरूरत पड़े सुबह चौड़ा।